हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से साधना टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है, अब हम उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए टेस्ट है, जो होगा ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिकल प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप और समपरिमाण प्रक्षेप के ऊपर। इसमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं, इसका सॉल्यूशन 2 दिन बाद हम अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर जितने भी सवाल हैं उनमें से सही आंसर अपना लिख के रख लेना है। इसकी जो शीट होगी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा। तो इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ लो एक बार, क्या है उनका आंसर देना है, कैसे करने हैं, फिर आप अपने आंसर्स नोट करके रखना। 2 दिन बाद जब इसकी सॉल्यूशन वीडियो आएगी तो आप उनसे मैच कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रक्षेप रेखाएँ समांतर नहीं होती हैं? आपको बताना है किस प्रकार के प्रक्षेपण में यानी कौन से प्रोजेक्शन में जो लाइन होती है, प्रोजेक्शन लाइन होती है, वो पैरेलल नहीं होती है। तो उनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आपने अगर पिछला लेक्चर दिया हुआ है तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल व्यू, कौन सा मुख्य दृश्य नहीं है। ये आपके लिए एडवांस होगा क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप लाइन एक दूसरे से होती है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर अगर दिया है, अगर आप डायरेक्ट हमारी इसी वीडियो पर आए हैं तो हमारी जो पहली वीडियो लेक्चर हैं, 7 वीडियो लेक्चर, उनको आप ज़रूर देखिए। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा उन सभी में। तो आपको बताना है ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन होती है या लाइन ऑफ साइट होती हैं वो किस प्रकार होती है, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है या तिर्यक होती है, ये आपको बताना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, लंबकोणीय प्रक्षेप में मुख्य तल हैं, लंबकोणीय जो प्रक्षेप होता है ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन उनमें प्रिंसिपल प्लेन कौन कौन से हैं, फ्रंट टॉप प्रोफाइल, बैक टॉप प्रोफाइल, टॉप फ्रंट राइट, और नंबर 4th ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल एंड वर्टिकल। तो इसका भी आंसर आप पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबकोणीय प्रक्षेप में कितने दृश्यों में किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई यानी जो तीनों डायमेंशन होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में कितने व्यू हमें बनाने होंगे उन सभी को दिखाने के लिए, लंबाई में चौड़ाई और ऊंचाई को, 6, 3, 2 या 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बाएं से देखा गया दृश्य सम्मुख दृश्य किस ओर बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं ऑब्जेक्ट का वो तो फ्रंट व्यू के किस साइड बनता है, राइट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, अबाव बनेगा या बिलो यानी फ्रंट व्यू के सामने बनेगा या फ्रंट व्यू के पीछे बनेगा या फ्रंट व्यू के दाएं या बाएं ओर बनेगा, ये आपको बताना है। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने सभी जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन इज़ नॉट यूज, फ्रेंड्स सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग नहीं बनाई जाती है। क्यों नहीं बनाई जाती है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन के जो दोनों ही प्लेन है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होते हैं, ये सही है। बोथ व्यूज ओवरलैप ईच अदर यानी दोनों जो प्लेन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ये कारण है सेकंड व्यू प्रोजेक्शन में ड्राइंग ना बनाने का। एलिवेशन जो फ्रंट व्यू होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, क्या ये कारण है, या फिर जो व्यू है वो साइज़ में छोटे होते हैं, इस कारण की वजह से हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑब्जेक्ट का दायां दृश्य बनेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो राइट साइड व्यू होगा वो कहाँ पर बनेगा, फ्रंट के लेफ्ट में बनेगा, बाईं साइड में बनेगा, दाईं साइड बनेगा, ऊपर बनेगा या नीचे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए सही कथन क्या है? मैंने आपको बताया था ड्राइंग बनाते हुए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो तीन चीज़ें होती हैं वही सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन यानी जो देखेगा ऑब्जर्वर, जो ऑब्जेक्ट है जिसके हम ड्राइंग बना रहे हैं और जो प्लेन यानी जिस पर हम ड्राइंग बनाएंगे, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको बताना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मैंने आपको कंडीशंस पढ़ाई हुई है पिछले लेक्चर में, तो आपको वहाँ जा करके देख लेना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले ऑब्जर्व होगा या ऑब्जेक्ट होगा या प्लेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पहचानना है। निम्न में से कौन सा चित्रकारी चित्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पिक्टोरियल ड्राइंग, आपको बताना है इनमें से कौन सी ड्राइंग पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन करा था, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर एक रूप में दिखाई देगा, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे जेई में भी कई बार पूछा जा सकता है, एक सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होगा वो किस प्रकार दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, साइक्लॉइड दिखेगा, सर्कल दिखेगा या पैराबोला, दीर्घवृत्त, साइक्लॉइड, वृत्त या
प्रबल है, ये आपको बताना है ये क्या दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किस ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के तीनों किनारे एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हुए होते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू कितने एंगल पर होते हैं, वो नहीं पूछा है। इसमें पूछा है जो ऑब्जेक्ट की तीनों साइड्स होती हैं उनके बीच कितना एंगल होता है, तो ये आपको पहचानना है कितना एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में एक वर्ग लैमिना के रूप में दिखाई देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लैमिना यानी एक वर्ग जो समतल होगा वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसा दिखाई देगा, समचतुर्भुज, आयत, समलम या समांतर चतुर्भुज, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में संदर्भ तलों की स्थिति होगी। आपको बताना है जो रेफरेंस प्लेन होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में क्या होते हैं, या जब हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो का तो आपको उसमें भी मैं बताऊँगा। तो आपको पहले अपने आप ये पिछले लेक्चर में जा कर के सबके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन डालूंगा तो वो उस आप चेक कर लेना एक बार। एच बी अबाउ द एक्स वाई लाइन, इसमें बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की पहचान क्या है। एच पी एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, वी पी एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, या वी पी एक्स वाई लाइन के नीचे होता है, या एच पी एक्स वाई लाइन के नीचे होता है, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो 15, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में संदर्भ तलों की स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन सेम है जो पहले वाले में, बस यहाँ पर प्रोजेक्शन जो चेंज हो गया है, ये फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल हो गया है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हैं, ये टेस्ट है आप लोगों के लिए। तो आप अगर इनमें से 13 या 14 क्वेश्चन के आंसर दे पाए तो आप ये समझिए कि आपकी जो ड्राइंग की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी हम करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई शेयर कीजिए, और लोग नए हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो में इसके सॉल्यूशन में 2 दिन बाद। थैंक यू।